सो फाइनली गाइज आज की वीडियो में अगली बात करने वाला हूँ वीवो Y75 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें कंट्रोल सेंटर को चेंज कैसे करेंगे। जेंस तो अगर कि आप इस मोबाइल में कंट्रोल सेंटर को चेंज करना तो एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर का मतलब होता है कि आप जब ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करते हैं आपका जो होम जो दिखाई देता है सब स्क्रीन वाला इसे कहते हैं कंट्रोल सेंटर। तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप जिसे यहाँ से राइट साइड से भी लगा सकते हैं लेफ्ट साइड से भी लगा सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर में आना होगा। तो मैं जीतूँ प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर लिखना है iOS 15। तो मैंने पहले से इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल सेंटर iOS 15। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना, इसको मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखते हैं 50 मिलियन प्लस में डाउनलोडिंग भी इसका है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर का नोटिफिकेशन का जो पैनल होता है उसको अलाउ करना होगा। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, आप जैसे ही अलाउ हो जाएगा यहाँ पर ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपको देखेंगे एक इस तरीके का इंटरफेस में शो होता है, यहाँ पर मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसी से कंट्रोल सेंटर को ला सकते हैं। तब इसके कलर को भी चेंज करना है तो आपको फिर से कंट्रोल सेंटर में आ जाना है और फिर आपको साइज पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में ऐड आएगा तो ऐड को आपको रिमूव कर देना है। तो मैं चलिए ऐड को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जिससे आपको करना हो कर सकते हैं। तो मैं चलिए इसको पूरा फुल कर लेता हूँ बड़ा। अब इसके कलर को भी चेंज करना चाहेंगे तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगे आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको रेड कलर को ले लिया हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर मिलेगा पोजीशन, तो पोजीशन में आप क्लिक करते हैं तो आपको टॉप वाला मिलता है, फिर लेफ्ट मिलता है, राइट मिलता है, बॉटम मिलता है। अगर आपको लेफ्ट राइट जो वाला हमारा आइकन जो दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड में करना चाहेंगे तो आप इस पर लेफ्ट वाले पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा आइकन वो लेफ्ट साइड में शो होगा। तो राइट साइड में क्लिक कर देंगे तो राइट साइड में शो होगा, लेकिन राइट साइड में अच्छा रहेगा। मैंने इसको राइट साइड में कर लिया हूँ। अब बॉटम में करना चाहेंगे तो आपको नीचे शो होगा और टॉप पर कर देंगे तो ऊपर की ऊपर शो होगा। तो लेकिन मैं इसको राइट में करता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसको कर लिया हूँ यहाँ पर राइट साइड में। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। आप क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब आपको कंट्रोल सेंटर लाना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ऊपर की थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो कंट्रोल सेंटर है यहाँ से आ जाएगा। अब इसके कंट्रोल सेंटर में आप यहाँ से इसके आवाज़ को भी साउंड को भी कम कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, और यहाँ से लाइट को भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से इसको अलाउ मांगे तो आपको अलाउ कर देना है। तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ, तो मैंने इसको परमिशन दे दिया हूँ। तो इस तरीके से आप एकदम सिंपल तरीके से कंट्रोल सेंटर को यूज कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।